हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग आईएससी बोर्ड। अभी आपके मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है ऑन 20th फरवरी। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो काफी जरूरत है, काफी एसेंशियल होगा, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर यू, बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ऑब्जर्वेशन हमारा है कि बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, जब मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है तो नर्वसनेस ज्यादा होती है और भी सारी चीजें होती हैं, डर लगता है कि पेपर छूट ना जाए या जो भी है, तो वो सब चीजों को दूर कैसे किया जाएगा, हाउ टू मीन्स यू कैन अवॉइड सच टाइप ऑफ कंडीशन, तो उनको कैसे, ये हम कुछ इसमें टिप्स बताएंगे जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और टिल द एंड इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब आपको नर्वसनेस दूर हो जाएगी पेपर देते समय, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको अभी तक लग रहा था कि नहीं मैथ्स का पेपर बड़ा टफ होता है, ये होता होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से आप पेपर दे लेंगे। दिस इज द आईएससी बोर्ड एग्जाम, आईएससी बोर्ड, और इसमें आपका जब मैथमेटिक्स का पेपर आता है तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर वैसे तो सबको पता ही होगा, आप लोग क्लास 12 और इस समय मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं तो पता होगा, बट हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देयर विल बी 15 पार्ट्स। हर पार्ट में ये जितने 15 पार्ट्स होंगे उसमें 1-1 मार्क्स के होंगे और शुरू के 10 पार्ट्स एमसीक्यूज होंगे, यानी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन आपका होगा सही। देन 5 पार्ट्स विल बी देयर इन द क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट 5 पार्ट्स होंगे, उसमें आपको लिखना होगा वो भी एक एक नंबर का होगा, बट नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। देन क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक देयर विल बी द 4 क्वेश्चंस, और ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये आपके 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स यही होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14। और उसके बाद सेक्शन बी या और सेक्शन सी, फ्रॉम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी यू हैव टू चूज एनी वन सेक्शन, दोनों नहीं अटेम्प्ट करिएगा। सेक्शन ए इज कंपलसरी फॉर ऑल, मतलब जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, उनको सेक्शन ए करना है, बट सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में चॉइस होती है, तो कोई भी एक आप कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, कोई भी आप सेक्शन चूज कर सकते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं वो सेक्शन बी ऑप्ट करते हैं और जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले होते हैं वो सेक्शन सी ऑप्ट करते हैं, लेकिन अब कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है तो साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी सेक्शन सी को ऑप्ट करने लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन इन सेक्शन बी एंड सेक्शन देयर विल बी द आल्सो द पास वन क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो सेक्शन बी का, वो आपका 5 पार्ट्स होंगे, उसमें शुरू के 2 पार्ट्स आपके मल्टीपल चॉइस होगा यानी एमसीक्यू, एंड देन 3 पार्ट्स 1-1 मार्क्स के सब होते हैं, 5 पार्ट जो भी होंगे वो लिखना होगा, एक लाइन दो लाइन जो भी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दीज 2 क्वेश्चन विल बी ऑफ 4-4 मार्क्स। तो इस तरह कुल मिलाकर के सेक्शन ए आपका 65 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी या सेक्शन सी 15 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स, क्लियर। तो ये तो हुआ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी इसमें इंटरनल चॉइस लेते हैं, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, इंटरनल देयर विल बी द इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 एक क्वेश्चन लिखा, देन और करके एक और क्वेश्चन लिख दिया, आपको उसी में करना है, बट क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू अटेम्प्ट, मतलब एवरी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, बस उसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी,
देयर विल बी नो एक्सटर्नल चॉइस, तो इसको कहते हैं इंटरनल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप नर्वस ना हो या पेपर में कैसे करें कि ज्यादा मार्क्स आए। सबसे पहले तो सबसे पहले बात जो आप लोग करते हैं, एक दूसरे से पूछना देखना ये छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप अपने पेपर पे अपने क्वेश्चन पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करिए और उसी जो जितना भी आए उतना ही लिखिए, किसी से पूछने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बगल वाला आपका गलत ही लिख रहा होगा। क्योंकि जब आपको नहीं आता है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपने किसी दूसरे से पूछा, तो क्या जरूरी है कि वो सही लगा रहा हो? दिस देयर इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको समझिएगा। तो इट मींस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ विद कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन से आप कर पाएंगे उतने ज्यादा सही क्वेश्चन होंगे। अब जैसे अब लिखने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, उसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन जो आपका मल्टीपल चॉइस होता है जिसमें ऑप्शंस होते हैं, कई बच्चे, सो मेनी स्टूडेंट्स डज द सॉल्यूशंस, देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट टिल टेंथ पार्ट, नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। पहले 10 पार्ट में कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, तो आप कहेंगे आंसर कैसे निकाले? यस, दिस इज द क्वेश्चन, आंसर कैसे निकाले? आप रफ में उसके करिए, रफ में जितनी स्पीड से आप कर सकते हो उतनी स्पीड से करिए, बट नो नीड टू शो द सॉल्यूशन एज द मेन सॉल्यूशन, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर ऑप्शंस, फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन फोर ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट का बी ऑप्शन सही है, तो यू विल राइट फर्स्ट पार्ट एंड बी, बी दिस इज एंड आल्सो नो नीड टू राइट द आंसर, उसके आंसर नहीं लिखिए कि आंसर पाई बाई टू आ रहा है या आंसर साइन एक्स आ रहा है या आंसर कुछ भी आ रहा है, नो नीड टू राइट, ओनली ऑप्शन इज नीडेड, तो आपका समय बचता है सबसे पहले। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का अगर सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में अगर मान लीजिए ऑप्शन सी सही है तो सी आप लिखिए। कई बच्चे पहले सॉल्यूशन करते हैं उसी में फिर नीचे ऑप्शन लिखते हैं, वेस्ट, टोटल वेस्ट इज ऑफ टाइम। क्यों? अगर सॉल्यूशन आपका सही भी है लेकिन आपने ये गलत लिख दिया ऑप्शन, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ऑप्शन ही देखा जाएगा। कई बच्चे ऑप्शन नहीं लिखते हैं सिर्फ सॉल्यूशन लिख देते हैं, यू विल नॉट गेट मार्क्स, ये हम बता देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। दूसरी चीज ये कि कई बच्चे ये चीज नहीं लिखते हैं, सिर्फ आंसर लिखते हैं, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखते बट आंसर ओनली, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एग्जामिनर के लिए। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इरिटेट होता है, इरिटेट हो जाएगा तो फिर कट कर सकता है, क्योंकि आप देखने नहीं जा रहे कॉपी, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए, कॉपी चेक भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा मार्क्स कहां कट गए, ये हिडन मार्क्स होते हैं, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी तरीके से हमको उस तरह लिखना है जैसे एग्जामिनर चाहते हैं या जैसा बताया गया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, ओनली राइट द ऑप्शंस, क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 11 होता है, 11 से लेकर 15 तक, उसमें कई बच्चे सिर्फ आंसर लिखते हैं, वो गलत है। इसमें तो सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, इसमें सिर्फ आंसर लिखा जा रहा है, तो इसमें आपको सॉल्यूशन देना है, वन लाइन टू लाइन, बहुत सारे लंबे सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, इसमें आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन होंगे, तो वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन थ्री लाइन्स, हम तो कहते हैं टू लाइन से भी सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, वन मार्क का क्वेश्चन होता है। सेकेंडली कोई भी क्वेश्चन, कभी कभी यह होता है बच्चे ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है और फोर्थ पार्ट हमको नहीं आ रहा, मान लीजिए नहीं आया और हमको उसको बाद में करना है, तो यहां लिख देते हैं एट द लास्ट, अब आप ढूंढिए लास्ट में ढूंढिए, एग्जाम्पल ढूंढा। अगर आपको बाद में भी करना है, पहली बात तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है इसके लिए स्पेस भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बाद में भी कर रहे हैं तो वहां प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर एंड देन पार्ट, देन राइट द आंसर, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, अगर आप उसमें लिख रहे हैं एट द लास्ट, तो एट द लास्ट का ये मतलब नहीं कि उसमें आप क्वेश्चन नंबर न डालें, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालें, उसका पार्ट डालें, देन यू स्टार्ट द क्वेश्चन,
इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, जैसे आपने किया क्वेश्चन नंबर वन आपने किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर टू करना है, तो क्वेश्चन नंबर वन आपका यहां खत्म होता है मान लीजिए इस पेज पे, इस आधे पेज पे, और क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करना है, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, नए पेज से, और प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर डालें और पार्ट डालें, क्योंकि अगर आप इसी में स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। ये लिखा भी देता है कि स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेश पेज। अच्छा, रफ जो आप करेंगे, रफ करके आप इसको काट दीजिए, या तो एक नीचे स्पेस डाल दीजिए उसमें रफ करिए, या बगल में स्पेस डाल दीजिए उसमें रफ करिए, मतलब आपको जहां पे प्रोवाइडेड, जहां पे इजी लगे, या पीछे एक पेज बना लीजिए, दो पेज बना लीजिए उसमें रफ करिए, बट डू नॉट रफ ऑन इन ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे कोई कैलकुलेशन करना नहीं होता है, ओनली ऑन द पेजेस शीट्स गिवन टू यू, ठीक है। अब तो सबसे मेन बात है कि पेपर छूटता है, कई बच्चे बोलते हैं कि पेपर छूट गया मैथमेटिक्स का, है लंबा था पेपर, ऐसा नहीं है, पेपर हमेशा तुम लोगों के लेवल का ही बनाया जाता है, मतलब मींस अप टू योर लेवल, तुम्हारे लेवल से ज्यादा नहीं कि जेईई मेंस का पेपर दे दिया गया है। ये सब गलत बातें होती है कि पेपर लंबा था, पेपर टफ था, ऐसा नहीं। पेपर टफ कब होता है? जब नहीं आता है। पेपर लंबा कब होता है? जब हम फालतू में आप यही बताएगा ना, आप इसमें आप ये सॉल्यूशन करेंगे मेन सॉल्यूशन, तो पेपर लंबा हो ही जाएगा, छूट जाएगा पेपर, तो इसमें ये सब कहने की बातें होती है। पेपर को करने का एक प्रोसेस होता है, दैट इज अ वे दिस यू हैव टू अप्लाई, तो दैट दिस वीडियो स्पेशली कंसिस्ट, मतलब उसको बताने के लिए हमने बनाया है कि हाउ यू सेव द टाइम और पेपर छूटे नहीं। तो इसके लिए मैंने ये लिखा है, कुछ चीजें हैं। अब इसमें भी रीजन है, इस रीजन को आप सुनिए, बड़े अच्छे रीजन है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है 15 पार्ट्स है, हमने लिखा 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। घड़ी आपके पास है, सामने भी घड़ी लगी होगी, आपकी वॉच लगी होगी वॉल पे, या आपके पास खुद नॉर्मल वॉच होगी, स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच यूज नहीं करनी है। तो ये 30 मिनट से ज्यादा, डोंट गिव मोर देन 30 मिनट्स, इसपे स्पेंड ना करिए 30 मिनट से ज्यादा कतई। क्वेश्चन नंबर वन में 15 पार्ट्स है, हर पार्ट के लिए 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स तो आप दे नहीं पाएंगे, तो यानी कलेक्टिवली फॉर 15 पार्ट्स ओनली हाफ एन आवर, ठीक है। क्यों? अभी हम बताएंगे इसका रीजन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर 20 मिनट्स, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप 20 मिनट्स दीजिए, यानी हर क्वेश्चन पे आपको 4 मिनट मिल रहा है, ठीक है, 4 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो ऑल टूगेदर 20 मिनट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 to 10 24 मिनट्स, क्यों? इसमें 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, और 16 मार्क्स के लिए आप दे रहे हैं 24 मिनट्स, तो यानी एक क्वेश्चन पे 6 मिनट पड़ रहा है एवरेज। देन 11 to 14, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स होते हैं, 24 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल मिलता है, 4 क्वेश्चन यू विल गिव द 40 मिनट्स, 4 क्वेश्चन पे 40 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे 10 मिनट्स का एवरेज मिल रहा है, यानी 10 मिनट्स में एक क्वेश्चन, काफी है 10 मिनट्स, बहुत होते हैं 10 मिनट्स। देन सेक्शन बी, ये तो सेक्शन ए तक हुआ था, ये पूरी यहां से यहां तक की सेक्शन ए, देन सेक्शन बी आर सेक्शन सी, ओनली 15 मार्क्स फॉर दिस टू, फॉर दिस सेक्शन बी और सी, एंड यू विल स्पेंड ओनली 40 मिनट्स, क्योंकि उसमें भी 5 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब जो आपका 15 है, उसके बाद 16 17 18, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 5 3 8 क्वेश्चन, तो 5 मिनट्स ऑल टुगेदर हमने दिया ये 40 मिनट्स, अब आपके टोटल में 154 मिनट्स, 154 मिनट्स में लग जाना चाहिए क्वेश्चन पेपर, इतना बनाया जाता है, ठीक है। देन 26 मिनट्स रिमेनिंग, क्योंकि 3 आवर्स पेपर, 180 मिनट्स हुए, अभी भी आपके पास 26 मिनट्स बचे हुए हैं, 26 मिनट्स जब आपके बचे हुए हैं, तो ये आप यूज करेंगे बाद में, कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे इसके भी एक रीजन है। अब हमने कहा कि इसमें नॉट मोर देन 30 मिनट, क्यों? अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं, मान लीजिए 40 मिनट्स 50 मिनट, कई बच्चे कहते हैं कि 1 आवर लग गया हमको क्वेश्चन नंबर 1 करने में 15 पार्ट, इससे जानते क्या होगा, आप वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, आप उस 1 मार्क के लिए आप इधर 4 मार्क्स 6 मार्क्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं
उनको आप नहीं कर पा रहे जबकि आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। यानी वन मार्क्स के लिए आप अपना फोर मार्क्स छोड़ रहे हैं, सिक्स मार्क्स वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, टू मार्क्स वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, यानी वन मार्क्स से तो ज्यादा ही क्वेश्चन आ गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको आप 30 मिनट से ज्यादा करते ही नहीं, क्वेश्चन छूट रहा है छूटने दें। क्यों? क्योंकि उसे बाद में आप जो ये 26 मिनट है उसको यूज करिए, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन या छूटे हुए क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन कोई आपको नहीं आ रहा है, ये उसमें दिमाग लग रहा है, ज्यादा दिमाग लग रहा है, ज्यादा कैलकुलेशन, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन को आपको बाद में करिए, पहले मत करिए। इसी तरह ये 20 मिनट से ज्यादा इसमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, कोई ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन से 4 ही करे तो 5वां नहीं आ पा रहा है, और उसमें टाइम आप लगा रहे, वो 20 मिनट से ज्यादा होगा। उस 2 मार्क्स के लिए आप आगे के 4 मार्क्स और आगे के 6 मार्क्स को क्वेश्चन छोड़े दे रहे। क्यों? तो ये तो प्रॉफिट नहीं है ना। तो प्रॉफिट करने के लिए यही रीजन है, मेन रीजन कि हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स को पाने के लिए हम 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं जबकि वो आते हैं। बाद में यही बता सकते हैं, अरे वो आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़िए मार्क्स, जबकि आ रहा है वो जैसे ही एग्जामिनेशन हाल के बाहर निकले तो कॉपी तो ले लीजिए, अरे वो तो आता था लेकिन अब टाइम ही नहीं बचा, यही प्रॉब्लम है। तो आप अपने 1 मार्क्स और 2, क्योंकि सारा टाइम तो आपने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दिया, तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या रहता है? तो जस्ट टू सेव द टाइम फॉलो द लिमिट्स ऑफ द टाइम, या ये तो मैंने बताया है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मैनेज, यू कैन ऑल्सो द राइट द टाइम प्रॉपरली एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करिए। ये अगर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, साथ में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और जो चीज हमने बताई कि प्रॉपरली आपको सीक्वेंस में क्वेश्चंस करें, जितना पूछा गया टू द पॉइंट बस उतना ही लिखें। फॉर्मूले जरूरी है, फॉर्मूले रूल्स मेथड सब आपको मेंशन कर दिए, ठीक है, जो भी यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द सम टिप्स रिलेटेड टू ISC मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। यू कैन सब्सक्राइब, शेयर, स्टडी ब्राइट चैनल।